सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मलेशिया, और काफ़ी लोगों को नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं, बट मलेशिया पहुंच गए हैं। और व्यू काफ़ी प्यारा है, जैसे दिल्ली में गर्मी होती है वैसी थोड़ी गर्मी है, बट व्यू एक नंबर का है। और जहाँ पे हमारा होटल है अभी, हमने इससे पहले मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो अभी बैठ के आराम से ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी मलेशिया का आपको कुछ दिखा देता हूँ व्यू, जहाँ पे हमारा होटल है। होटल काफ़ी प्यारा है, आप देख सकते हैं एक बार। जैसे हमारा होटल है, हमारा होटल ये है, ये देखते हैं, पूरा पानी में है होटल। जैसे मालदीव्स का है, मालदीव्स का वैसे सेम वैसे इन्होंने कंसेप्ट पूरा क्रिएट किया है, तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट। यहाँ पे ये हमारा होटल, ये हमारी बालकनी है, ये हमारी पूरी बालकनी यहाँ पे, और ये नीचे पानी। रात को तो भाई पानी पूरा वहाँ तक आ गया था, ऊपर तक, आप देख रहे हो यहाँ पे क्रीम क्रीम कलर का, वहाँ तक पूरा पानी आ गया था। तो रात को पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है, अभी पानी काफ़ी है। और वहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह होती है पूरी, जैसे आपको एक्टिविटीज़ करनी है जेट स्कीइंग वगैरह। तो जो होटल का नाम है अवनी, काफ़ी प्यारा होटल है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा फुल है, पूरा फुल, सब में लोग रह रहे हैं। और ये हमारा बाथरूम है, जो यहाँ से हम पूरा व्यू देख सकते हैं बाथरूम से, और काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है। अभी बारिश भी काफ़ी टाइम से हो रही है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा व्यू है। और हमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, ये यहाँ पे रोड है, यहाँ पे हम आराम से वॉक करते हुए, साइकिल लेके वॉक करते हुए हम यहाँ पे जा सकते हैं, लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे सिटिंग एरिया है जहाँ पे आपको वेट करना है, अगर यहाँ पे आप वेट करोगे तो वहाँ से गाड़ी आएगी, आपको बिठाएगी सीधा मेन गेट। तो हमने फिर ये वाला होटल, हमने बोला कि हमें चेंज करना है, तो हमने ये होटल अपना चेंज करा, तो इन्होंने हमें ये वाला होटल दिया है। काफ़ी फ्रंट साइड का व्यू, बट काफ़ी प्यारा व्यू है, काफ़ी प्यारा, आप देख सकते हैं। और रात को ठंड लगती है यहाँ पे लिटरली, हमने यहाँ बैठे रहते हैं, लिटरली यहाँ बहुत ठंड लगती है, ठीक है। आपको मैं इसका जो बाथरूम है वो दिखाऊँगा, बाथरूम तो एक नंबर का है, आप इसका जो बाथरूम है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वॉशरूम है, और वॉशरूम के साथ साथ ये मेरा बाथरूम है, बाथरूम भी काफ़ी प्यारा है। आप इसको ऊपर करके ये देख सकते हैं, पूरा व्यू है यहाँ पे, नाओ इन्जॉय करो, सब कुछ है ए टू जेड। तो यहाँ पे अपना मस्त व्यू को इन्जॉय करते हुए नहा सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी ख़राब है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए, यहाँ पे स्मोकिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने हर जगह लगा रखे हैं अलार्म, तो हमारा बेड भी पूरा मैसअप है। और ये ऊपर देख रहे हैं आप, वो रहा स्मोकिंग डिटेक्टर, तो यहाँ पे स्मोकिंग का भी है ही नहीं, मतलब किसी भी होटल में आपको स्मोकिंग का मिलेगा ही नहीं। तो ये है हमारा रूम नंबर, अवनी, अवनी के नाम से है, और ये सेपांग में है, ठीक है। मैं इसका लिंक दे दूँगा, जिनको अगर अपना यहाँ पे आना है चेकआउट करना है, और काफ़ी सही रेट पे है। ये है डाउन स्टेयर्स, और वो है हमारी साइकिल, आप साइकिल देख सकते हैं, ठीक है। और ये आती हैं गाड़ियाँ, और ये लेके जाती हैं, तो ये बहुत प्यारा व्यू है। हमारा एक्चुअली जो होटल था वो हमारा उस साइड था, वो साइड हमारा वो था पूरा ख़राब है, तो अभी यहाँ से दोनों ने यहाँ शिफ्ट किया, तो एक ऊपर टॉप पे हमने ये लिया व्यू, ठीक है। कभी कभी गलती से भाई कोई चीज़ गिर जाए ना अगर, तो सामान मिलेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी आ रहे हैं, तो जा रहे हैं अभी वापस। तो ये बेस्ट जगह है, आप देख रहे होंगे वहाँ पे कहीं शायद बोट वगैरह खड़ी है, वो शायद ऑयलिंग वगैरह उसके लिए, बट काफ़ी प्यारा है। यहाँ पेड़ भी काफ़ी है, ग्रीनरी भी काफ़ी है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि भाई जहाँ से अपना आते हैं, यहाँ से हम वॉक करते हुए आए, यहाँ से वॉक करते हुए पूरा ऊपर साइकिल वहाँ खड़ी करी। और साइकिल में एक चीज़ है कि साइकिल में अपना लॉक लगाओ, लॉक लगा के ऊपर आना है, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये है व्यू, और यहाँ पे अभी काफ़ी सारे होटलों पे अभी आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो अभी और बन रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मतलब 1000 समथिंग रूम है पूरे यहाँ से। जैसे जो लोग दुबई जा रखे हैं, जिन्होंने देखा होगा, उनका जो मतलब जो एरिया है वो कवर, मतलब ऐसा है कि मतलब जैसे आपने वहाँ पर देखा होगा ना दुबई में, कि मतलब सारे होटल जो भी हैं कर्व्स में, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर पूरा का पूरा उन्होंने वैसा ही कंसेप्ट बनाया है, तो उससे अच्छे रेट पर, ठीक है। ये जो हमें पड़ा है, ये हमें पड़ा है 2 नाइट्स का अराउंड 25,000। तो
जिनको आना है वो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं अपना, यहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ सब कुछ रहता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, वो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है थोड़ी सी इस टाइम गर्मी। तो अपना वाइट कवर करो एकदम लूज़ इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे मौसम बारिश वाला होता है और गर्मी भी काफ़ी होती है थोड़ी सी। तो ये है, तो मैंने कल पूरा स्वेट शर्ट पूरा कवर किया था, बट गर्मी इतनी थी कि भाई मैंने कहा चेंज ही करते हैं, तो चेंज किया तो मैं इस लुक पे आ गया हूँ अभी। तो अभी इस टाइम पे आना विजिट पे सबसे अच्छा है, कि जो लोग आना चाहते हैं वो इस टाइम पे जनवरी और फैब तक यहाँ पे आ सकते हैं घूमने के लिए। बाकी टाइम तो बहुत गर्मी होती है, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा यहाँ पे, तो वो ये कह रहे थे कि गर्मी बहुत होती है और गर्मी इतनी जितनी दुबई में होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी एक वीडियो बनाई ताकि आप लोग को मालूम हो कि जो लोग मलेशिया आ रहे हैं तो वहाँ पे किस टाइम पे आना सबसे बेस्ट रहेगा, तो वो दिसंबर जनवरी या फेब, तो इस टाइम पे आप आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। खाने पीने का सबसे इम्पॉर्टेंट, जो खाना पीना जो लोग खा रहे हैं वो खाना पीने, मतलब हम तो, मैं नॉनवेज खाता ही हूँ, तो नॉनवेज में जो लोग नॉनवेज ले रहे हैं उनके लिए सही है, ऑप्शंस हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो लोग वेज खाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वेज यहाँ पे पिज़्ज़ा ही मिलेगा आपको, एक पिज़्ज़ा भी वेज, और बाकी जितना भी मिलेगा आपको वो सब आपको मिलेगा नॉनवेज। और नॉनवेज में ऐसा कुछ है जो मैं मतलब जाता हूँ किसी रेस्टोरेंट पे तो बड़ी गंदी बदबू आती है यार। ठीक है, ये इनका खाना ही खाते हैं बट खाया नहीं जाता, चाहे वो पिज़्ज़ा हट हो, चाहे वो KFC हो, चाहे वो मैकडॉनल्ड हो। लेकिन भाई जो चीज़ मैं बोलूँगा कि इंडिया में जो मैकडॉनल्ड्स और KFC है उसकी तो बात ही अलग है, वो भी कंपेयर है ही नहीं, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो अदर कंट्रीज़ हो। तो सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे अपना आओ, इन्जॉय करो, और जो नॉन वेज खाने वाले हैं वो नॉन वेज यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं, चिकन वगैरह मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने कल की बात है, कल हमने क्या किया, कल हमने अपना नॉन वेज खाना था तो हमने मंगाया, हमने दुबई का दिखा था, दुबई का वहाँ पे लगा हुआ था होली, तो वहाँ गए तो वहाँ पे बिरयानी, उस समय मेरे को मालूम था कि मतलब ये अच्छा है दुबई का यहाँ पे, तो मेरे को वो मिल गया था तो मैंने वो खा लिया। सबसे बेस्ट तो ये था कि मतलब मुझे मिल गया, इन फ्यूचर कि अगर जो लोग बंदे यहाँ पे आ रहे हैं वो बंदे यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत तो होने वाली है कि भाई घूमने के लिए अच्छा है, मौसम भी सही है, बढ़िया है, तो आओ। और दिसंबर जनवरी फेब इसी में आना, इसके बाद तो भाई मत ही आना क्योंकि गर्मी तो बहुत होती है, ऑलमोस्ट 45-46 टेम्परेचर रहता है उस टाइम पे उसके बाद। पर यहाँ पे अभी मैं देख रहा था काफ़ी लोगों ने मास्क वगैरह भी लगा रखे थे, तो मैंने पूछा भी कि मतलब यहाँ पे केसेस वगैरह भी आ रहे हैं क्या है, तो उन्होंने बताया कि अभी मतलब 1000 केस यहाँ पे अभी आ रहे हैं। तो अभी ट्रांसपोर्ट में जो आप यूज़ कर रहे हैं जैसे कैब, बसेस, ट्रेन, तो इसमें आप मास्क लगाना कंपलसरी है, वरना 1000 रिंगिट आपका पड़ने वाला है, तो फाइन, तो वो लगा के रखना जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट है साकेत के मज़े लो, वो भी ऐसे कि पूरे इंजॉय करते हुए व्यू को, लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं साइकिल के साथ। इसमें जो लोग साइकिल ले रहे हैं और आपको 50 रिंगिट आपको वहाँ पे डिपॉजिट करना है, ठीक है, होटल पे, और वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो घूमने के लिए यहाँ पे वॉक तो कर नहीं सकते, तो क्योंकि वॉक करेंगे तो भाई मतलब थक ही जाएंगे, तो साइकिल है एक बेस्ट ऑप्शन, साइकिल लो अपना मस्त रात भर घूमो। यहाँ पर मस्त मूवी वगैरह सब कुछ चलता है एकदम मस्त, यहाँ पर सब कुछ एकोमोडेशन, खाना पीना, लाइव, कल हमने बॉनफायर वगैरह वहाँ भी गए, काफ़ी हमने वीडियोस बनाई, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में, तो जाके देखो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, GSM व्लॉग्स के नाम चैनल है, तो जाके सब्सक्राइब करो और आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी, और वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं ऑलरेडी, और इंस्टाग्राम पे तो और शॉर्ट्स तो मैं डालता ही हूँ, वहाँ पे मैं दिखाता रहता हूँ कहाँ पे शॉर्ट वीडियोस पे, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये है, चलो मिलते हैं आपको, अभी मैं रेडी होता हूँ और चलता हूँ अभी, कल का बॉनफायर जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो मैं डालूँगा शॉर्ट्स पे, यूट्यूब पे जाके देखना, और जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं वो लोग आइए और अपना मस्त इन्जॉय कीजिए यहाँ पे बॉनफायर बहुत तगड़ा होता है बनाई, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। तो ये चीज़ बेस्ट है कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ तो इन्जॉय करना बनता है। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था मलेशिया का, लेकिन काफ़ी अच्छा था, तो अभी इसके बाद जो ट्रिप रहेगा उसके बाद मैं जो वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा, ठीक है, तो ये जो वीडियोज़ मैं डालूँगा। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, कंटिन्यू रहना मेरे साथ, बाय बाय।